तो ये देखो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर इस वाले सवाल को अगर आप देखोगे तो एक कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग बीम है इंसिडेंट ऑन ए डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है भाई? कॉनकेव लेंस होता है। ये जो होती है वो कॉनकेव लेंस है। दिस इज द कॉनकेव कॉनकेव लेंस, या इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये और ये वाली जो लाइन है दैट इज ए प्रिंसिपल एक्सिस है, दैट इज ऑप्टिक सेंटर सी। अब इस पे हमने जो रे पड़ रही है वो एक कन्वर्जिंग बीम आ रही है। मतलब कन्वर्जिंग बीम जो है, कन्वर्जिंग बीम होती है जो किसी पॉइंट पे जाके मिलेगी। मतलब ये वाली जो रे आ रही है कुछ ऐसे आ रही कन्वर्जिंग बीम, ठीक है ना। तो ये तो अगर ये लेंस नहीं होता तो ये जो लाइट बीम है वो किसी पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाती इस पॉइंट पे, ठीक है ना। ये लेंस नहीं होता तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर कन्वर्ज होती, पर इस लेंस के आ जाने से अब ये डाइवर्ज होगी हल्की सी। तो हल्की सी डाइवर्ज होगी तो ये जो है यहाँ पे कहीं पे रियल में मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे जाएगी और यहाँ पे रियल में अगर मिलेगी तो यहाँ पे जो फाइनली जो है वो एक रियल इमेज यहाँ से बनेगा, ठीक है ना। रियल इमेज यहाँ पे बनेगा और ये कहते हैं ये जो रियल इमेज बन रहा है वो इस लेंस से वो है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रहा है। दिस इज़ द 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ से क्रिएट हो रहा है। तो अगर ये 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आग रहा तो ये कहते हैं कि अगर मैं इस लेंस को हटा देता तो फाइनली बीम कहाँ कन्वर्ज होती? अरे भाई अगर इस लेंस को हटा दोगे तो बीम यहीं पे कन्वर्ज होती। यहाँ यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो कह रहा है कि आई जो है ओ पर मूव कर जा रही है। ये जो आई पॉइंट है वो यहाँ इधर मूव कर जाएगा 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द लेंस। ये जो पॉइंट आई है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो पॉइंट ओ है ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द रियल इमेज। जो रियल इमेज है, क्योंकि इस रियल इमेज का ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन ये है कि जो इंसिडेंट रे है वो डिसाइड करती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे अगर अपीयर टू कट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और अगर सच में मिल रही है तो रियल ऑब्जेक्ट है, और सच में अगर रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे मिल रही तो रियल ऑब्जेक्ट है। अपीयर टू मीट रियल रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली रियल मीट करे तो रियल इमेज, अपीयर टू मीट वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो चलो ये तो मैंने डिफिनेशन बता दिया आपको। तो यहाँ से जो यू है ऑब्जेक्ट, अगर यू देखोगे तो यह जाएगा माइनस प्लस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से ये वाली जो है वो 10 सेंटीमीटर बचा वर्चुअल ऑब्जेक्ट यू, और फाइनली जो वी है वो है प्लस 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो फोकल लेंथ अगर तुम निकालोगे, वैसे भी यार ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो 1/v माइनस यहाँ से यू इज इक्वल टू 1/f यहाँ से इक्वल आ जाएगा। तो 1/v की वैल्यू यहाँ से 15 है, माइनस 1/v इक्वल 10 है, दैट इज 1/फोकल लेंथ। तो वो यहाँ से 1/फोकल लेंथ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 यहाँ से माइनस 5/ यहाँ से 15 × 10। तो ये यहाँ से 3 टाइम्स कट जाएगा, तो f आ जाएगा यहाँ से -30 सेंटीमीटर। तो f अगर यहाँ से -30 सेंटीमीटर आ गया तो अपना जो डी ऑप्शन है वो सही है। तो बी जो है वो गलत है और डी जो है सही है। तो इस हिसाब से अपना क्वेश्चन सही हो गया।